गुड इवनिंग दोस्तों, बात करते हैं आज कॉकलस इंडिकस की। तो कॉकलस इंडिकस बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडी नहीं है, ये सेक्टर लेवल पे ही प्रिस्क्राइब होती है। और इसके 10-12 कुछ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हैं। और सबसे पहले तो मोशन सिकनेस, अगर कोई ट्रेन में यात्रा कर रहा है या पानी के जहाज़ में, हवाई जहाज़ में, कहीं भी अगर वो यात्रा पर है तो उसको नाउजिया होगी और वोमिटिंग होगी। कुछ पेशेंट कभी कभी आ सकते हैं क्लिनिक में कि उनको ट्रैवलिंग से आराम मिलता है, उनकी नाउजिया में ट्रैवलिंग से आराम मिलता है। जैसे जब वो आपकी क्लिनिक पर आएंगे तो बोलेंगे कि हमेशा मिचली आती है लेकिन अभी आपके यहाँ आ रहे थे तो गाड़ी में नहीं हो रही थी, ऐसे। तो इस कंडीशन में फिर आपकी नाइट्रिक एसिड है। कॉकलस इंडिकस का जो मरीज होती हैं या होते हैं तो उनका समय बहुत तेज़ी से पास होता है, टाइम पासेस टू क्विकली, मतलब उनको पता ही नहीं चलता और दिन बीत जाता है। बोलते हैं डॉक्टर साहब इतना काम बाकी रहता है फिर भी समय बीत जाता है, कर ही नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, ऐसे वैसे। इसके जस्ट अपोजिट, अगर टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है तब आपकी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइटकम और कैनबिस इंडिका। विद्यार्थी लोग या कुछ ऐसे प्रोफेशनल जो ज़्यादा जगते हैं, रात को देर तक जगते हैं, फिर सुबह जल्दी उठना होता है, उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, तो इस वजह से लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हुई, जो भी बीमारी हुई, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कॉकलस इंडिकस आती है। सर के दर्द में भी कॉकलस इंडिकस इफ़ेक्टिव है। इस हिस्से में दर्द ज़्यादा होगा और पूरे स्पाइनल कॉर्ड में भी दर्द होगा, और मरीज जब सर के बल सोता है तो उसका दर्द और बढ़ जाता है। कॉल्चिकम में एक सिम्टम है कि पके हुए खाने की अगर महक जाए या किसी भी खाने की महक जाए तो मरीज को वोमिटिंग होती है या नौजिया फील होती है, तो ये सिम्टम आपका कॉकलस इंडिकस में भी है। कॉकलस इंडिकस मरीज को बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं, छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाता है, और जब वो क्लिनिक में आपसे बात करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी बात करता है, कोई भी बात फटाफट रखता चला जाएगा। एक और दवा है इसमें, वो है एनाकार्डियम। महीने की बात करें तो जब मेंसेस आता है कॉकलस इंडिकस फीमेल में तो उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, इतनी कमजोरी हो जाती है कि वो अपने बच्चे को डांट भी नहीं पाते, ऑफ कोर्स हस्बैंड को भी नहीं डांट पाते। बोलने में उनको बहुत वीकनेस लगती है, चलने फिरने में बहुत वीकनेस लगती है। आपका कार्बो एनमेलिस एक मेडिसिन है तो उसमें भी वीकनेस रहती है, लेकिन कार्बो एनमेलिस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वीकनेस रहती है, जबकि कॉकलस इंडिकस में नर्व्स जो है कमज़ोर हो जाती हैं इस वजह से, और कॉकलस इंडिकस में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि कॉकलस इंडिकस में जब महीना बीत जाता है तो उसके बाद ल्यूकोरिया आता है, वो थोड़ा थक्का थक्का ब्लड के कलर का रहता है, पतला ही रहता है, ब्लड के कलर का रहता है, और उस समय जब ल्यूकोरिया गिरता है तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। डॉक्टर कोपिकर तो अपने बुक में लिखे कि कोई भी फीमेल पेशेंट अगर उनके पास आ रही है और ल्यूकोरिया है, उसके साथ पैरों में दर्द है और महीना आता है तो कमज़ोरी हो जाती है, तो वो आंख बंद करके कॉकलस इंडिकस दे देते थे। कॉन्स्टिपेशन रहे और उसके साथ अम्बिलिकल हर्निया रहे और आपने नक्सोमका दिया, उससे आराम नहीं हुआ, तब आप कॉकलस इंडिकस दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर इंग्वाइनल हर्निया भी है तो कॉकलस इंडिकस आप इंटरकरेंट रेमडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, अच्छा काम करती है। तो ये थी कॉकलस इंडिकस के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम। थैंक यू।